खानवा युद्ध की जीत के बाद बाबर की नजर अब चंदेरी पर थी। बाबर मेदनीराय खंगार को एक पत्र लिखता है। पत्र में वह लिखता है, मेदनीराय मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि मुल्क में ज्यादा खून खराबा ना हो, इसके लिए मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। तुम मेरी गुलामी स्वीकार कर लो और राणा सांगा का साथ छोड़ दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस युद्ध की सूचना राणा सांगा को भेजी जा चुकी थी, परंतु बाबर का सौभाग्य यही कि राणा सांगा इस युद्ध में भाग नहीं ले सके। तभी एक सैनिक राणा सांगा का पत्र लेकर आया। मेदनीराय कंगार ने पत्र खोला और पढ़ना प्रारंभ किया। मेरे प्यारे मानस पुत्र, तुम्हारी चिंता में मैं चित्तौड़ से चला अब और इसमें ठहरा हूँ। मेरे जीवन का ये अंतिम ठहराव है। मेरा शरीर निर्जीव होता जा रहा है। अब कुछ देर में मेरे प्राण इस विकलांग शरीर से नाता तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन का अंतिम पत्र लिख रहा हूँ। मुझे खेद है मैं तुम्हारी इस युद्ध में सहायता नहीं कर सका। मानस पुत्र मुझे क्षमा कर देना। मेदनीराय खंगार बाबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर देते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे बाबर बौखला जाता है और चंदेरी पर हमला कर देता है। मेदनीराय खंगार की सेना भी हर हर महादेव का जयकारा लगाकर बाबर की सेना पर टूट पड़ती है। खंगार राजवंश की वीरता देखकर बाबर भी दंग रह गया। महाराजा मेदनीराय खंगार बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ रहे थे, परंतु नीति को कुछ और ही मंजूर था। मेदनीराय खंगार की सेना तोपों के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। मेदनीराय खंगार वीर गति को प्राप्त हो गए और महाराजा की मृत्यु की खबर सुनकर माता मणिमाला खंगार और उनके साथ 1697 ने जोहर कर लिया।